हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा के लिए जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे, तो अब इंतजार खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, कितने पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, फॉर्म कब तक अप्लाई होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, सारा कुछ बताने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी आई है। ये आपका किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? देखिए फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली के अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी आएगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 760 मतलब 760 सीट, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इतने अच्छे नंबर ऑफ सीट के लिए आपका कब से फॉर्म अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि अप्रैल में आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। पता है कि 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, तो अप्रैल में स्टार्ट होगा और लास्ट डेट मई रहने वाला है। आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा आइए बता दूं। जनरल और ओबीसी से लिया जाएगा 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया। ईडब्ल्यूएस, एससीएसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से यहाँ पर कोई फी नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है कि एज की लिमिट क्या होगी, किस डेट से कैलकुलेशन होगा, ये अभी क्लियर नहीं किया गया। जब आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा उस समय मैं आपको देख के अच्छे से बता दूंगी। फिलहाल बस नोटिफिकेशन में इतना बताया गया कि 18 वर्ष से 25 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। पता है आपको कि रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स का और एससीएसटी को 5 इयर्स का, तो ये उम्र सीमा में आपको छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट के लिए। अब रही बात की क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। देखिए, सिंपली क्वालिफिकेशन में ये बताया गया कि जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट होंगे सभी एलिजिबल होंगे। डजंट मैटर कि क्या परसेंटेज है और कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के पास आउट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये भी मेंशन किया गया कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो क्या रिक्वायरमेंट है टाइपिंग की आइए बता देती हूँ। इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट यानी 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी के लिए आपका 30 यानी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। चलिए अब आगे समझ लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, मतलब किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आप अपना सिलेक्शन अचीव कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन आपका यहाँ पर 4 स्टेज का होगा। पहले स्टेज पर ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, देन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी प्लस मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, डिटेल्स क्या होगा। देखिए, एग्जाम में होंगे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क दिया जाएगा। समय जो होता है फ्रेंड्स 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 यानी 0.25 की। सो वी अवेयर, अच्छे से तैयारी करिए, वहां पर निगेटिव मार्किंग होगा, एक गलती करेंगे तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब विषय वाइज देख लेते हैं, जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन। ओवरऑल देख लीजिए 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए रहेगा। तो जब आप इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, पहले ही बता दिया है। टाइपिंग में इंग्लिश का 35 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड रहेगा और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। दोनों में नहीं जरूरी है, आपको किसी एक लैंग्वेज में टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपका डीवी मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो क्या सैलरी मिलेगी आइए मैं बता देती हूँ।
फ्रेंड सैलरी आपका लेवल टू का रहता है क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। शुरुआती दौर में आपको 19,900 से शुरुआत होगी एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 63,200 मतलब 64,000 के अप्रॉक्स हो जाती है। और ये सारा कुछ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, आप डाउनलोड करके थॉरो आउट अच्छे से रीड कर लेना। आई होप इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अब भी मन में कोई डाउट है कोई बात नहीं, कमेंट करिएगा, वहां पर आपके क्वेरीज को सॉल्व कर दी जाएगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।